दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि उबालना तथा इवोपरेशन क्या है, इसके बारे में बताएंगे। उबालना तथा इवोपरेशन अर्थात वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि उबालना सबसे पहले जो होता है कि किसी पदार्थ का उबालने का तापमान वह बिंदु है जिस पर तरल पदार्थ उबलना शुरू करता है और तरल को वेपर प्रेशर तरल के भारी चारों ओर के बराबर होता है और तरल अपनी अवस्था वाष्प में परिवर्तित करता है, करना आरंभ कर देता है। उसके बाद हमारे पास है दो नंबर में वाष्पीकरण। तरल पदार्थ जब उबलने लगता है और उसे लगातार गर्म करते रहते हैं तो तरल पदार्थ भाप बनकर उड़ने लगता है, इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यह क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है, जैसे नंबर एक, तरल पदार्थ का अधिक क्षेत्रफल में फैल जाना, नंबर दो, तापक्रम का अधिक हो जाना, नंबर तीन, हवा का शुष्क होना, नंबर चार, कम दबाव, नंबर पांच, हवा की गति। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास जब कोई भी चीज को गर्म करते तो भाप में होता है, तेल को गिरा दे जैसे हमारा पेट्रोल तो वो उड़ जाता है, भाप बनके उड़ता है ना, या मिट्टी का तेल हम फेंक देंगे तो फैल जाता है, उसको जमीन सूख लेती है ना। तो दोस्तों हमने आपको उबालना तथा इवोपरेशन, उसके कार्य के बारे में बताया, वाष्पीकरण के बारे में बताया, जब हम पानी को गर्म करते तो वो पानी भाप बन के ऊपर उड़ता रहता है और वो पानी एक टाइम पे खत्म हो जाता है क्योंकि और हर जगह उसकी भाप ही भाप होकर के पूरा वाष्प हो जाता है पानी। तो दोस्तों आप लोग वीडियो उबालना तथा वाष्पीकरण के बारे में, वीडियो आप लोग अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट करिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आप लोगों ने नरेश रायते चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से आप सब्सक्राइब करिए और नई नई जानकारी आप लोग प्राप्त करिए। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों, ओके, अगली वीडियो।